हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हम लोग कुछ बात करने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंटिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि सर रॉयल्टी अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करें, क्या करें, कौन कौन सी चीजें करें। चुटकियों में समझना है, रॉयल्टी अकाउंटिंग होता है क्या है? कुछ रेंट के साथ रिलेशन। रॉयल्टी मतलब रेंट, इतना अगर दिमाग में बैठ गया तो किधर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब आप बोलोगे सर रेंट, अरे यही तो चीज थी जो हमने हेरा फेरी में देखी हुई थी। देखो यहाँ पे वापस से याद आ जाएगा क्या क्या चीज है। बारे जाओ दे, देख लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ला ना 300, उसमें से 100 पास के लिए चाहिए तो 200 चलेगा। देवा आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है? हाँ यही तो था, यही तो है छोटी सी बात कि आप कुछ किराया ले रहे हो, किसी चीज को यूज करने का अधिकार किसी और को दे रहे हो और आप उसके सामने क्या ले रहे हो? किराया ले रहे, उसे बोला जाता है रॉयल्टी। आइए देखते हैं, मैं उदयन कच्ची यहाँ पे आप लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लेक्चर के अंदर। रॉयल्टी अकाउंट का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट की मैंने डेफिनेशन दी हुई, अमाउंट पेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन रिटर्न फॉर सम स्पेशल राइट गिवन टू हिम बाय दैट पर्सन। समझते हैं यहाँ पे रॉयल्टी का मतलब एक्चुअली में होता है, रॉयल्टी का मतलब कुछ होता है जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ ना, वो होता है रेंट। उसे क्या बोला जाता है? रेंट। अगर मैं सिंपल सी टेक्निकल भाषा के अंदर बात करूं तो ये सब कुछ ऐसा होता है जो भाड़े जैसा होता है, जहां पे हम किसी को किराया दे रहे हैं। किसके लिए किराया देते हैं? कुछ एक्स्ट्रा राइट्स के लिए हम लोग उसे किराया दे रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास एक फील्ड मतलब खेत या ऐसा कुछ, और वो खेत जो है वो एक्चुअल में पावड़ा मारने में पता चला कि वो जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड? ऑयल फील्ड। बंदे के पास ये जमीन है, जमीन के नीचे जो ऑयल है वो भी उसका है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ऑयल को निकाले तो निकाले कैसे? ना तो उसके पास मशीनरी है, ना तो उसके पास वो एक्सपर्टिज्म है। अगर वो सारी चीजें लेके भी आ जाए, मान लो किधर ना किधर से यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के समझ ले भाई क्रूड ऑयल को किस तरह से अलग किया जाता है, बहुत सारी चीजें देख, तो फिर भी खर्चा बहुत ज्यादा है, तो ये बंदा बेचने कहां जाएगा? तो ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए होता है क्या है, ये ओनर जो बंदा है इसका जो फील्ड है वहां पे वो कॉन्टेक्ट करेगा किसी ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी वाले बोलेंगे भाई देखो हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम कुएं में से जो भी आपका ऑयल वेल बनाएंगे उसमें से हम सारा का सारा तेल निकालेंगे। तो इसमें मतलब मेरा क्या फायदा, तेल भी मेरा लेके जा रहे हो, ये भी लेके जा रहे हो, इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा फायदा क्या रहेगा, मेरा तो सब कुछ चल रहा है। इसमें मतलब भाई कोई बात नहीं, आप रुक, हम आपको रेंट दे रहे हैं, हम आपको क्या दे देंगे, रेंट दे रहे हैं, हम आपको रेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे आप मुझे परमिशन दो, आप मुझे ओनर को बोलेगा आप मुझे परमिशन दो कि मैं यहाँ से ऑयल जो भी कुछ ऑयल निकलेगा वो सारा का सारा ऑयल किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। इसने बोला ठीक है भाई, ये बात तो आपकी समझ गए हम कि भाई जो ऑयल निकल रहा है वो आपका और आप मुझे भाड़ा दे, पर कितना भाड़ा दोगे? उन्होंने बोला भाई 20,000 दे देंगे, 30,000 महीने का दे। इसने बोला भाई मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हुई, भाई ऑयल का दाम तो लाखों करोड़ों रुपए में होता है और आप बोल रहे हो 50,000 30,000, भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई जो ऑयल निकला यहां से इस जमीन में से जितना ऑयल निकला पर टन मैं आपके पास से जो भी कुछ निकल रहा है, अगर वो मान लो लीटर्स में निकल रहा है तो हम लोग एक सिंपल से पर लीटर मैं आपसे 20 रुपया लूंगा, 20 रुपया पर लीटर मैं ले लूंगा, फिर आपको वो तेल को रिफाइन करो, क्रूड ऑयल को जो करना है करो, 20 रुपये मुझे दे दे। मतलब मान लो अगर पूरे साल में आप 1,000 लीटर ऑयल निकाल रहे तो आपको कितना देना है? तो भाई 1,000 निकाल रहे हो तो आपको मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 20,000 रुपये दे दे।
समझ गए बात को। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो ऑयल है तो पर यूनिट जो निकल रहा है उसके ऊपर हमने कोई अमाउंट फिक्स कर दी, इस अमाउंट को बोला जाता है रॉयल्टी। अब इन लोगों ने बोला ठीक है, पर इसको रात को एक दिन ख्याल आया कि साले इन लुच्चे लोगों ने, ऑयल कंपनी वालों ने जानबूझ के कम कम ऑयल निकाला। भाई हो सकता है 1000 निकल रहा हो, उन्होंने बोला मशीन को ऐसे सेट करो कि 10 ही निकले, जिससे क्या हमें देने के कितने बन जाए कि भाई मान लो यहाँ पे 200 रुपए के ही देने बन जाए तो वापस से प्रॉब्लम आ जाए। इसने बोला ना भाई, ना ओनर भी स्मार्ट था, उसने बोला भाई दो चीज, भाई एक तो मैं मिनिमम अमाउंट ले लूंगा, मिनिमम अमाउंट हम लोग फिक्स कर देते, भाई मिनिमम अमाउंट मान लो 40,000 रुपए, मिनिमम अमाउंट कितना बोल दिया उसने 40,000 रुपए, ये जमीन का जो कॉस्ट है उसका 40,000 रुपए। अब अगर आपका तेल 40,000 से ऊपर वाला निकल रहा है रॉयल्टी के हिसाब से, 20 रुपए पर लीटर है, मान लो आपने टोटल निकाला 3,000 लीटर, तो आपको कितने रुपए देने बनते हैं, तो यहां पे करोगे तो वो निकल रहा है 60,000, तो अगर 3,000 लीटर निकाला तो मैं 60 लूंगा, मैं कितने लूंगा 60 लूंगा, पर अगर यहां पे आपने 1,000 लीटर ऑयल निकाला तो ये बन जाते हैं 20,000 रुपए, तो मैं कितने लूंगा 20 नहीं लूंगा, मैं कितने लूंगा 40,000 रुपए लूंगा। समझ में आ रही है बात है? तो उसने जो ओनर है उसने दोनों तरीके से अपनी बात को सेव कर लिया, आइदर एक तो बोला मिनिमम अमाउंट मुझे चाहिए, या तो जितना प्रोडक्शन हो या जितना आउटपुट हो उस पर कुछ रुपए नहीं लेगा, क्लियर, जो ज्यादा होगा वो लेगा। ऑयल कंपनी भी तो मूर्ख नहीं है, ऑयल कंपनी क्या बोलेगी, ऑयल कंपनी बोलेगी भाई हम लोग बात ठीक है आपकी सारी बातें हम सर आंखों पे रख देते हैं, भाई हम आपको पैसा देने के लिए भी तैयार है कि जो, पर जो डिफरेंस अमाउंट आया मान लो यहां पे हमने आपको 40 दे दिया, आप बनते थे कितने देने 20, पर दिए कितने मैंने 40, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए जब आप ज्यादा कमाओगे, समझो यहाँ पे वर्ड को ऊपर फोकस रखना, जब आप ज्यादा कमाओगे तब हम ये 20,000 रुपए आपसे काट लेंगे, 20,000 रुपए क्या कर लेंगे काट लेंगे। जैसे पहले साल मान लो ऐसी सीन आ गई तो 20,000 रुपए उन लोगों ने 40 दे दिए, 20,000 अभी ऑयल कंपनी नुकसान में। नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ कि आपके पास टोटल यहाँ पे 3,000 लीटर है, तो 20 × 3,000 कितने होते हैं 60,000 हो रहे। अब 60 और 40 में से ज्यादा कौन सा है, फार्मा वो ओनर को कितना मिलना चाहिए 60, पर 60 नहीं देंगे वो, 60 में से बोलेंगे भाई वो याद है वो पिछले साल का नुकसान 20,000 रुपए हमने ज्यादा है, तो 20,000 रुपए अभी काट लेंगे हम लोग, तो अब हम आपको कितना देंगे 40,000 रुपीज ही देंगे। ये जो 20,000 रुपए का पूरा खेल है उसे बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग, उसे क्या बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग, समझ रहे हो बात को, जो कम रुपए रहे उसे हम लोग शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे, क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर अब डेफिनेशन पे ध्यान देना, अमाउंट पेड बाय वन पर्सन मतलब ऑयल कंपनी टू अनदर पर्सन मतलब ओनर इन रिटर्न ऑफ सम स्पेशल राइट, स्पेशल राइट क्या था ऑयल निकालने का, गिवन बाय हिम बाय दैट अदर पर्सन। यहां तक कोई डाउट है पक्का? तो पीरियड ऑफ लीज में पूरे के पूरे 100 साल के लिए जमीन नहीं दी जाती, एक पीरियड होता है 5 साल 10 साल, कोयला हो सकता है, बुक हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल। रेट ऑफ रॉयल्टी जो मैंने बोला 20 रुपए पर लीटर वो रेट है, मिनिमम रेंट जो मैंने बोला था कि भाई मिनिमम इतने अमाउंट तो मिलने ही चाहिए, शॉर्ट वर्किंग जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोला जाता है मिनिमम रेंट, और एक्चुअल रॉयल्टी में अगर डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग। अब देखो ना हम लोग एक सम करते हैं, सम के अंदर ज्यादा पता चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का समय इसका ज्यादा कोई महत्व है नहीं, पर ये पूरा स्टेटमेंट बना, ये फॉर्मेट आप लोग को बना के रेडी रखना है, जो भी अगर रॉयल्टी का सम आया तो हमें ये फॉर्मेट बनाना है। अब ईयर दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया, आपके पास क्वेश्चन के नीचे पीडीएफ होगी वहां से देख सकते हो, 2016, 17, 18 और 19 प्रोडक्शन कितना होता, बोला था रॉयल्टी 2 रुपए पर टन देगा, रॉयल्टी कितना रुपए देगा 2 रुपए पर टन, यहाँ पे निकला हुआ प्रोडक्शन है 20,000 टन, तो 20,000 टन इंटू 2 रुपए कर लो कितना हो रहा है बताओ मुझे फटाफट, 40,000 रुपए, भाई 26,000 इंटू 2 कर दो 52,000। अब मिनिमम रेंट उन लोगों ने बोला हुआ था, डिसाइड किया हुआ था उसके साथ कि 50,000 तो मिलेगा, तो हमने लिख देते सब जगह पे 50,000 रुपए। अब पहले साल
वो कितने रहे थे देने के लिए? 40। उसको मिनिमम कितने दे रहे थे? 50। तो 10,000 रुपए की कुछ कमी आ गई थी, 10,000 रुपए की क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। और उसको मुझे एक्चुअल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? एक्चुअल पेमेंट मुझे बताओ कितना करना पड़ेगा। हम लोग कौन है? हम लोग ऑयल वाली कंपनी है बोल, हम लोग बुक्स किसकी लिख रहे हैं? ये जो बंदा पैसे दे रहा है उसकी। तो मुझे उस फार्मर को या ओनर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? भाई 40 और 50 में से बताओ मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 देने पड़ेंगे। अमाउंट पेएबल क्लियर है? डन। अब मैं कोई एडजस्ट तो कर ही नहीं सकता, बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग। मुझे 10,000 रुपए अभी मैं माइनस में चल रहा हूँ। 10,000 रुपए में किस में चल रहा हूँ? माइनस में चल रहा हूँ पहले साल के लिए। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ कंडीशन दी, ये कंडीशन हर एक सम के अंदर कुछ ना कुछ दी होगी, इसे ध्यान से पढ़ो। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आफ्टर द ईयर इन विच इट ऑकर्ड। मतलब आज अगर 2016 में कोई शॉर्ट वर्किंग है, वो अगले 2 साल के अंदर रिकवर हो गई तो ठीक है, वरना भूल जाएगा, वरना भूल जाएगा। ये लैंडलॉर्ड भी बहुत साणा है। उसने क्या बोला? भाई 2 साल तक मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, पर 2 साल के अंदर आपने ऐसे मशीन नहीं डाले तो फिर वो भूल जाना, वो मैं वापस से कट करवाने वाले बैठने वाला नहीं। दूसरे साल देखते हम लोग, ठीक है भाई चलो दूसरे साल 52 और 50। भाई उसकी बन रही है 52, थे 50,000, तो कुछ शॉर्ट वर्किंग बनेगा? कुछ शॉर्ट वर्किंग है यहाँ पे? कुछ कम मिले हमें? बताओ यहाँ पे देने बनते थे 52, मिनिमम था 50, कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। यहाँ पे तो ज्यादा कमा रहे हैं, यहाँ पे कितना कमा रहे हैं? ज्यादा कमा रहे हैं ओके, पर 2,000 रुपए ज्यादा है, हमें माइनस कितने चल रहे थे? 10। 2,000 आया तो इस बार काट लेते उसके 2,000 रुपए, तो हम 2,000 रुपए एडजस्ट कर लेंगे। हम 2,000 रुपए क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए अब हमारा बैलेंस कितना रहेगा? 8,000 रुपए। हमारा बैलेंस कितना रहेगा? 8,000 रुपए। और उसको तो अमाउंट देंगे 50,000 रुपए ही। उसको अमाउंट कितनी मिलेगी? 50,000 रुपए। समझ में? भले उसके बन रहे थे 52, पर 52 में से हमने जो एडजस्ट किया था 2,000 रुपए वो काट लिया, अब कितना आया? 50,000। यहां तक कोई डाउट है? पक्का। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई 56 और 50,000। कुछ कम अमाउंट आ रही है? नहीं आ रही है। यहाँ पे भी हम लोग ज्यादा ही दे रहे, मिनिमम रेंट से ज्यादा ही कमा रहे। अब कितने ज्यादा कमा रहे? 6,000। हमारे पास अभी भी कितना है उसके पास से लेने बाकी है, तो 6,000 रुपए एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है? 6,000 रुपए हम लोग ने क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो 56 में से 6,000 हमने एडजस्ट कर लिया, तो अभी भी उसको इस साल भी हम कितने देंगे? 50,000 ही देंगे। इस साल भी हम कितने देंगे उसे? 50,000। बट अब समझना, यहाँ पे बैलेंस अब हम लोग 2,000 नहीं लिखेंगे, अब हम लोग 2,000 लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवरेबल, क्योंकि हमारे 2 साल खत्म हो गए। हमने 2 साल दिए हुए थे, हमने 10,000 का 2 साल दिया था, मतलब 17 और 18 के अंदर उसको रिकवर कर रहे थे, पर 17 और 18 में वो कितने रिकवर कर पाए? 8,000 ही रिकवर कर पाया। तो 2,000 हमारे क्या हो गए? नॉट रिकवरेबल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50। कुछ शॉर्ट वर्किंग है ना, क्योंकि हमारा एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग तो होने वाला नहीं भाई। कोई एडजस्टमेंट करने की कोई बाकी रह रही है? कुछ बैलेंस है यहाँ पे? बैलेंस तो हमने कितना कर दिया? 0 कर दिया, तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करना हमें, कोई शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस भी नहीं है। तो इस बार इसको कितने मिलेंगे? 60,000 मिलेंगे। समझ में आया? तो हम लोग 2016 में उसे कितना पेमेंट करेंगे? 50,000। हम लोग 2017 में कितना करेंगे? 50,000। 2018 में भी कितना करेंगे? 50,000। 2018 के अंदर 50,000 हम लोग करेंगे, और 2019 के अंदर उसे कितने मिलेंगे? 60,000। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि 2017 में हम 2,000 ज्यादा कमाए थे, 2018 के अंदर 6,000 ज्यादा देने वाले थे, पर वो दोनों उसके क्या हो रहे? राइट ऑफ हो रहे अगेंस्ट द शॉर्ट वर्किंग, अगेंस्ट द शॉर्ट वर्किंग। क्लियर? डन। कर सकते हो? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर का सामने फटाफट से इसे कर रहा। इस लेक्चर के अंदर हमने सम के कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे काम किया था, हमने वर्किंग देख लिया था यहाँ पे कि भाई वर्किंग किस हिसाब से होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर कैचिंग अप विद द सम्स व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कोई डाउट हो तो क्वेरीज हो तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो,
और क्वेरीज ना हो तो थैंक यू तो लिख ही सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।